डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे भिन्न का घटाव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे 4/2 - 3/2, तो पहले ये नीचे वाला जो भी हर है इसको क्या करते हैं हम लोग, तो पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे पहले इसको, तो देखिए एलसीएम लेके बताते हैं। तो 2 2 का एलसीएम कितना होगा? तो 2 होगा, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं अगर 2 2 का एलसीएम निकाला जाए, 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 2 1 2 क्या हुआ? 2 आया। पहले इसमें और इसमें क्या करते हैं हम लोग? भाग करते हैं, इस संख्या से इस संख्या में भाग करते हैं, ठीक है। तो भाग करेंगे तो क्या मर्तब कट जाएगा? एक मर्तब कट जाएगा ना, 2 1 2। अगर 2 का पारा क्या मर्तब पड़ेगा कि 2 आ जाएगा, तो 2 1 2। अगर 1 में अगर 4 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 1 4 4 हो जाएगा। फिर माइनस जो चिन्ह है, जो साइन है, वही साइन लगा देंगे माइनस। फिर 2 से और 2 में भाग देंगे तो कितना क्या मर्तब कट जाएगा? 1 मर्तब कट जाएगा। अगर जो भी सेम सेम नंबर रहे ना, तो 1 1 मर्तब कट जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 से अगर 3 में गुना कर दे, 1 से अगर 3 में गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटा देते हैं तो 4 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बटा ये 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह ये एग्जांपल दिया गया है, अगर नीचे 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 वाला नंबर सेम होगा ना, तो वही उसका क्या होगा? एलसीएम सेम ही होगा, वही इसका एलसीएम होगा। 3 है, 3 एलसीएम ले लिया। इसी तरह अगर 3 में 3 से भाग देंगे, 3 में अगर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 1 1 8 8 1 8। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसी तरह अगर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में अगर 5 से गुणा करें तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 8 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 3। अब बटा ये 3, देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये कट जाएगा बराबर मर्तबे में, एक एक मर्तबे में कट जाएगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, 6 और 9 का लघुत्तम लेंगे, 6 और 9 का लघुत्तम लेंगे, ठीक है। आपको हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं किस तरह लघुत्तम निकालते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? तो 2 है, 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 और 3 3 रह जाएगा, ठीक है। 6 लगा 6 1 6 3 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 कितना हो जाएगा? पूरा मिला जाएगा 6 ही हो जाएगा ना। 6 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 6 से अगर भाग दे देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में अगर 9 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 1 9 9 9 1 9, बात वही आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 में अगर 6 से भाग दे तो क्या मर्तब कट जाएगा? 2 मर्तब कट जाएगा, 3 2 6 कितना पारा? 3 का पारा 6 आ जाएगा। तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस संख्या के कितना मर्तब पारा पड़ेगा कितना आ जाएगा। 3 का पारा 2 मर्तब पड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6 तो 2 आ रहा है ना। तो 2 में ये ऊपर वाला जो भी संख्या लिखा रहा है, 4 रहा है 5 रहा है जो भी रहे, उसमें वो 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ हम जब इसका पहाड़ा क्या मर्तब पड़ेगा 6 आ गया, तो 2, ये भी 2 है, 2 में 2 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा? 4। 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 5। हाँ बटा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, 5 और 10 का लघुत्तम लेंगे, 5 और 10 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। जब भी एक संख्या बड़ा छोटा हो, एक संख्या बड़ा हो, तो बड़ा वाला छोटा, अगर छोटी छोटी संख्या सीधी अधिया हो, बड़े संख्या का सीधा जो छोटा संख्या हो आधा हो, तो बड़ी संख्या जो होगा ना वही उसका एलसीएम हो। क्या होगा? वही उसका एलसीएम होगा। अगर 5 से हम भाग दे 10 में तो क्या मर्तब कट जाएगा? 5 2 10, 2 मर्तब कट जाएगा। 18 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माइनस होता है माइनस लगा देंगे। फिर उसी तरह अगर 10 में 10 से भाग दे, बोले ना सेम सेम नंबर अगर रहे भाग देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर 1 में 14 से गुणा कर देते 14 ही ना होगा। 36 में 14 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 6 में 4 गया 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 22 बटा 10। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 11 2 22 और 5 2 10 बराबर कितना हो जाएगा? 11 बटा 5, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया गया है भिन्नों का गुना। क्या दिया गया है? भिन्नों का गुना, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो करते किस तरह, इसको काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका 4 का पारा कितने बढ़ते पड़ेगी कट जाएगा? देखिए भिन्नों का गुना, गुना किस तरह कटता है? तो कोना कानी कटता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह और इस तरह कटता है, मतलब इस तरह कटता है और इस तरह कटता है। फिर इस तरह कोना कानी कटता है, किस तरह? इस तरह कोना कानी कटता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब 8 से 9 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब इस तरह अगर कटने वाला रहे तो, ठीक है। इस तरह मतलब ऊपर ऊपर नीचे नीचे नहीं कटेगा, ठीक है। अगर काट दिया जाए इस तरह, 4 2 8, 2 मरते पड़ा पड़ेगा 8 कट जाएगा ना। इसको काटा जाए तो 3 3 9, 3 से क्या मरते हुए कट जा रहा है? 3 मरते हुए। इसको भी कौन सा अंक से काटा जाएगा जो 3 मरते कट जाए? 2 से कट जाएगा तो नहीं कट जाएगा, कट जाएगा तो लिखेंगे 2, ये वाला लिखे, फिर ये वाला लिखेंगे 2 बटा ये, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 में 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा।
और एक में 3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे अगर काटेंगे तो देखिए 4 चौका, देखिए कोना का नहीं काट के बता रहे हैं, 4 चौका 16 कट गया ना, 12 दूना 24 कट गया। तो इस तरह अगर हम लोग कर देते हैं 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसी तरह इसका देख लेते हैं, जैसे 6/9 × 18/8/18 है। ठीक है, इस तरह कैसे काटेंगे तो काटेंगे इसको हम इस तरह काट सकते हैं, 6 × 3 = 18, इसके बाद कोई कटने वाला नहीं है, इसके बाद कोई कटने वाला नहीं, कैसे इससे हम नहीं कटने वाला, इससे ये कटने वाला नहीं। अब बता दिए हैं पहले ही कि नीचे नीचे से ये नहीं कटेगा, नीचे नीचे से कटने वाला रहता तो इससे ये कट जाता, ठीक है, मगर कटने वाला है नहीं। ठीक है, उसी तरह हम लिखेंगे 1 × 8/9 × 3 बराबर, अगर 1 से 8 में गुना करें तो 8 ही होगा, और 9 में 3 से गुना करें तो 9 × 3 = 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल है 9/14, क्या 9/4 × 8/81। ठीक है, अगर इसको हम लोग काटे तो कट जाएगा 9 × 9 = 81, 4 × 2 = 8, मतलब 2/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9। ठीक, उसी तरह हम लोग और देखेंगे, कहता है भिन्नो का भाग, क्या कहता है भिन्नो का भाग, फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन, क्या फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन। देखिए भाग किस तरह, बट्टे का भाग किस तरह बनाते हैं, तो बट्टे का भाग बनाने का तरीका है कि पहले सिंपल इस साइन को चेंज कर देते हैं हम लोग, तो जी ये जो अंक लिखा होता है ना इस चीज को सेम लिखते हैं, मतलब 4/16, इसको जब चेंज करेंगे तो गुना में चेंज करेंगे, इसमें गुना में चेंज करेंगे, तो गुना जब भी गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला अंक नीचे वाला अंक ऊपर जाता है, ऊपर वाला अंक नीचे आता है, बटे के नीचे वाला अंक ऊपर जाता है, मतलब हर ऊपर जाता है और अंश नीचे आता है। ठीक है, तो अगर हर को हम ऊपर कर दे और अंश को नीचे कर दे, सेम कर दिया ना इसको उल्टा, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 8 कर दिए, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 कर दिए, अब हम लोग काट देंगे तो कट जाएगा 4 × 8, ये 2 से ये 2 कट सकता है कि नहीं कट सकता है, कट सकता है। तो अगर यहाँ पे हम कर दे 1 × 1, यहाँ पे भी 1 ले ली, यहाँ पे भी 1 ले ली, बट यहाँ पे भी 16 ले ली, यहाँ पे 1 ले ली। ठीक है, 1 में 1 से गुणा कर रहे हैं 1 ही होगा, 16 में 1 से गुणा करेंगे 16 होगा, मिला जुला क्या आया 1/16 आया। ठीक है, उसी तरह दूसरा और एग्जाम्पल है, मतलब और एग्जाम्पल है 15/3 / 30/9। ठीक है, क्या 15/3 / 30/9, तो ये वाला जो अंक, ये वाला साइड जो होता है इसको सेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेम लिखते हैं, जब ये साइन को चेंज करते हैं ना तो इसको पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं, मतलब 30/9 है ना तो 9/30 लिख देंगे, ये कटेगा 3 तिहाई 9 15 2 = 30, मिला जुला क्या आ जाएगा 3/2, यही हमारा आ जाएगा।